हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टेंसेस के बारे में कुछ थोड़ी सी टिप्स एंड नॉलेज दूंगी जिसको यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को और एनहांस और इम्प्रूव कर सकते हैं। टेंसेस आप जैसे कि पढ़ते आए हैं अब तक, हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है टेंसेस को। नंबर वन इज़ योर पास्ट टेंस, नंबर टू इज़ योर प्रेजेंट टेंस एंड नंबर थ्री इज़ योर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों ही टेंसेस के जो डिवीजन है ये हमें तीन टाइम को डिनोट करना सिखाते हैं। कैसे? सबसे पहला पास्ट टेंस वो टेंस होगा जो कि जा चुका है या जो काम हम खत्म कर चुके हैं। सेकेंड आता है आपका प्रेजेंट टेंस, जो टाइम या जो काम हम अभी प्रेजेंट टाइम में या प्रेजेंट सिचुएशन में हम कर रहे हैं। थर्ड आता है आपका फ्यूचर टेंस, वो टेंस या वो टाइम जो आने वाला है इन योर नियर फ्यूचर। ये डेफिनेट नहीं होता, हमें नहीं पता होता ये काम हम एग्जैक्टली कर पाएंगे या नहीं, बट अ टाइम एजम्पशन वी थिंक ऑफ द फ्यूचर दैट कम्स इन दिस फ्यूचर टेंस। सो बेसिकली आपने देखा कि टेंसेस को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो जा चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है एंड फ्यूचर जो आने वाला है। नाउ वी डिवाइड दीज थ्री इंटू और फोर टाइप्स, क्लियर? और आगे हम फोर टाइप्स में इन चीजों को डिवाइड करते हैं, विच इज नंबर वन इनडेफिनेट और सिंपल टेंस, नंबर टू कंटिन्यूअस टेंस, नंबर थ्री परफेक्ट टेंस एंड नंबर फोर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनडेफिनेट और सिंपल ये वो टेंसेस होते हैं जो टाइम बाउंडेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इट कुड बी अ पास्ट इनडेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड इज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट कम्स द परफेक्ट, सो इट कुड बी पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट कम्स द परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो इट कुड बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इफ वी एक्सप्लेन दैम वन बाय वन, दैट इज नंबर वन इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। रिगार्डिंगली आउट ऑफ दीज फोर वील गो थ्रू वन बाय वन इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट यू विल मेक मी एक्सप्लेन दिस थिंग दैट वॉट डू यू मीन बाय द इनडेफिनेट टेंस और सिंपल टेंस। ऐसा काम जो कि समय निर्धारित नहीं है, ऐसा काम जिसे हम टाइम में बाउंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, ओके, आई प्लेड फुटबॉल और आई विल प्ले फुटबॉल, ये तीनों टेंसेस के एग्जाम्पल हैं जो कि सिंपल या इनडेफिनेट हो सकते हैं, बट यू आर नॉट श्योर दैट विच टाइम बाउंड थिंग इज इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस से हम क्या समझते हैं? ऐसा काम जो हमारे गिवन टाइम ऑफ पीरियड में थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू होने वाला है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। Either it could be a past continuous, ऐसा काम जो कभी past में थोड़े time के लिए continue हुआ था और अब पूरा हो चुका है। Now next is your present continuous, जो अभी इस present time में continue हो रहा है। For example, I am teaching you, so I am going through this work, I am doing this work, and for the future example you can say I will be going to market, for example. So it is a work which is going to be continued in your future tense. Next comes the perfect tense. So in the past perfect, the work which has been completed in the time before past and its effect is also over in the past. But in the present, the work has been completed in the past, but its effect remains in the present. Okay, so if we talk about the future perfect, the work which is going to be completed within this period of time and its effect will be continuing for the next future time. But my question to you in this perfect tense relation is, when the work is completed before time, then why we consider it in the present and the future? Can anyone tell me?
वाई वी कंसिडर दिस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मतलब कहने का ये है कि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि परफेक्ट टेंस में काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, फिर भी हम इसे हमारे प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्यों मानते हैं. हम इसे प्रेजेंट और फ्यूचर में इसलिए मानते हैं कि वर्क भले ही पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो हमारे अभी भी प्रेजेंट में बाकी है कि होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दिया आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है, बच्चे ने ये कहा आई हैव ईटन एन एप्पल, दैट मीन्स उसने अभी अभी उस एप्पल को ख़त्म किया है तो उसका इफेक्ट थोड़ी देर बाद तक भी रहेगा. ही विल नॉट ईट एनीथिंग एल्स रैदर देन दैट एप्पल. तो कहीं ना कहीं एक काम खत्म होने के बाद उसका इफेक्ट जब आपके प्रेजेंट या आपके फ्यूचर में रहता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है. वहीं आप अगर इसके पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की डेथ हो चुकी थी, ठीक है. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि पास्ट से थोड़े टाइम पहले में ये काम कंप्लीट हो चुका था लेकिन उसका इफेक्ट हमारे पास्ट टाइम में बाकी था. क्लियर है. नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको हम कैसे समझेंगे. देखिए इसमें परफेक्ट भी है और इसमें कंटिन्यूअस भी है. तो कंटिन्यूअस का मतलब आप सीधा सीधा समझते हैं कि जो काम थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हो रहा है वो, और परफेक्ट का मतलब जो काम अब पूरा हो चुका है. तो आप दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो इसका एक रिजल्ट जो निकल के हमारे सामने आता है वो ये है कि ऐसा काम जो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू हुआ था लेकिन अब वो पूरा हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल I have been studying since morning. ठीक है. अच्छा एक चीज और इसमें आप देखेंगे कि since या for ये दो words का use हम हमेशा करते हैं, ठीक है. ये time denotions के लिए होते हैं. Since जब हमें definite time पता है कि कितना time है, कब से है, कैसे है. लेकिन for हम वहाँ use करते हैं when we don't know the exact time. For example, since morning, since 2 o'clock या since 4 o'clock we know. बट अगर हम फॉर का यूज कर रहे हैं फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 100 hours, वट एवर. क्लियर. सो देर इज नो डेफिनेट टाइम श्योरिटी इन द वर्ड फॉर. क्लियर. नेक्स्ट अब आ जाइए आप, अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ऐसा काम जो पास्ट से पहले के टाइम में थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू हुआ था, नाउ इट हैज बीन ओवर इन द पास्ट एंड इट्स इफेक्ट इज ऑल्सो ओवर इन द पास्ट. ठीक है. एग्जाम्पल अगर हम इसका लेंगे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, वो इवनिंग तक खेल रहे थे. सो द वर्क हैज बीन कंटिन्यूड इन द पास्ट एंड इट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. नेक्स्ट आ जाइए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दे विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये जो है वो अगले दिन की बात आप कह सकते हैं, एक तरह से हो रही है कि वो कल इस समय तक खाना खा रहे होंगे. क्लियर. सो ये हमारा एक सेटअप था जो मैंने आपको समझाया. 4 types में हम हमारे तीनों टेंसेस को डिवाइड करते हैं. वापस रिकॉल कर लीजिए, टेंसेस जो है वो 3 types में डिवाइडेड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इन तीनों को हम और 4 parts में डिवाइड करते हैं, दैट इज फर्स्ट योर सिंपल और इनडेफिनिट टेंस, सेकेंड इज योर कंटिन्यूअस टेंस एंड थर्ड इज योर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज योर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. इनके डिटेल्ड वीडियोज फॉर ईच एंड एवरी टेंस विल बी श्योरली गिविंग यू इन अ शॉर्ट व्हील टाइम. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.